यहाँ पर एक शादी का फंक्शन है। शादी किसका है वो बहुत युवक बहुत महत्वपूर्ण है। पांडू दादा थे जो यहाँ के सरपंच थे, गोलेंग के, करते थे और यहाँ के विकास के लिए काम करते थे और हमेशा जो है सोचते थे इस इलाके में सड़क बन जाए। प्रतिनिधियों से, कलेक्टरों से जाके मांग किया करते थे। तो ये बात माओवादियों को नागवार गुजरती थी और यही वजह है कि नक्सलियों ने एक बार उनकी हत्या कर दी। एक व्यक्ति जो इस क्षेत्र के विकास के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिए, आज उनके क्षेत्र में उनके लड़के की कितनी भव्य शादी हो रही है। देखिए ये क्या है, क्या है भैया, लंदा है। इस तरह से ये धुरुआ जनजाति की शादी, शादी में ये सांस्कृतिक कार्यक्रम उनके बीच में, मुआ बोलते हैं। हम बस्तर टॉकीज के पूरे परिवार से इनको बधाई देते हैं। ये बदलाव इस कोलिंग गांव का ये बताता है कि एक पांडू दादा की जो शहादत है वो व्यर्थ नहीं गई। इस गांव में वो सारी चीजें हैं आज जो वो चाहते थे। आज इस वक्त मैं एक शादी समारोह में खड़ा हूँ और ये शादी का जो समारोह है ये बहुत महत्वपूर्ण है और मुझे लगा, अचानक इत्तेफाक से मैं इसके सामने से गुजर रहा था तो मुझे लगा कि ये शादी समारोह और इसकी कहानी तो आपको ज़रूर बतानी चाहिए, तो कहानी बताने के लिए रुक गया हूँ। नमस्कार, मैं विकास तिवारी हूँ और आप बस्तर टॉकीज़ देख रहे हैं। दरअसल इस वक्त मैं कोलिंग में हूँ और कोलिंग में आप मेरे पीछे देखें तो एक टेंट लगा हुआ है बहुत बड़ा सा और ये लाइट चकाचौंध से लगी हुई है और चारों तरफ बहुत बेहतरीन उजाला है और यहाँ पर एक शादी का फंक्शन है। शादी किसका है वो बहुत युवक बहुत महत्वपूर्ण है और क्यों महत्वपूर्ण है पहले वो बताता हूँ, अंदर आपको शादी भी दिखाओ। और इसी के साथ आप ये भी देखें कि धुरुआ जनजाति की शादी है ना जयपाल जी, जी 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 सर, धुरुआ है ना जी, धुरुआ है सर, धुरुआ जनजाति की शादी है। तो धुरुआ जनजाति के लोग शादी कैसे करते हैं वो भी देख लीजिएगा इसी बात। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि महत्वपूर्ण क्यों है शादी। दरअसल यहाँ पे एक पांडू दादा हुआ करते थे जी, 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 सरपंच थे, सरपंच थे जी, इस गांव के जी ना। जयपाल इधर लाइट पे आ जाओ। तो पांडू दादा थे जो यहाँ के सरपंच थे, गोलेंग के, करते थे और यहाँ के विकास के लिए काम करते थे और हमेशा जो है सोचते थे इस इलाके में सड़क बन जाए, इस इलाके का विकास हो। लेकिन जब वो सोचते थे उस समय इस गाँव में ना सड़क थी, ना बिजली, ना पानी, ना नेटवर्क, कोई भी व्यवस्था नहीं थी। और वो लगातार जब वो विकास की बातें करते थे, मांग करते थे हर किसी से, नमस्ते, हर किसी से जब वो सोचते थे कि जनप्रतिनिधियों से, कलेक्टरों से जाके मांग किया करते थे, तो ये बात माओवादियों को नागवार गुजरती थी और यही वजह है कि नक्सलियों ने एक बार उनकी हत्या कर दी, निर्मम हत्या न जयपाल। कब की घटना है जयपाल? ये हो गया सर कम से कम दस साल बीत गए। तो उसके पहले भी उनको कभी वो किया, धमकी उमकी दिए थे क्या? नहीं पता सर, उससे तो पहले ऐसे गांव का विकास तो करते थे। हाँ, आओ लाइट में आ जाओ जी। दादा आप भी आ जाओ। तो हम लोग छोटे छोटे थे सर, उस समय पढ़ाई कर रहे थे हम लोग, उनके बेटा के साथ पढ़ाई कर रहे थे। पांडू दादा जानते हैं इसलिए तो आए। आ जाओ। हाँ। तो इनसे आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम जलदेव कोसेबा है। अच्छा दादा, आप पांडू दादा काहे के लिए मारे नक्सली लोग? तो वो जनपद में था तो क्या? नहीं, पहले बाद में जनपद था। जनपद समय मारे इसको। हमारा चाचा है, पहले सरपंच था, सरपंच होते समय ना हमारा कुटुंब सर में जाके हमारे यहाँ रुकते रहा। कौन? वही पांडू दादा, पांडू चाचा। तो रुकते रहा, फिर सरपंच बना। फिर हमारा पिताजी मन बोले कि थोड़ा दिमाग दिए तो तभी आगे बढ़ने के लिए। फिर भी जीते, फिर भी दो बार जीते, फिर भी तीन बार जीते। फिर उसके बाद क्या किया, फिर वो चाची को ना फिर सरपंच में खड़े किए थे। नक्सली क्यों मारे? उसका बैकग्राउंड अपन समझ गए, क्यों जनप्रतिनिधि थे। नक्सली उसको ना वो मतलब कैसा में मारे तो उसको हमको भी पता नहीं, हम तो कुटुंब सर में रहते हैं। क्यों मारे पता है? पता उतना नहीं है उसको, वही आगे बढ़ने कारण से मारे जैसा लग रहा है। तो जनपद में हुए थे तो निश्चित बने थे तो इस कारण मारे। हाँ, क्या क्यों मारे जयपाल, तुमको क्या सर, पता है? वो तो हम लोग छोटे छोटे थे उस समय, हम लोग उस पांडू सरपंच के बेटा के साथ हम लोग पढ़ रहे थे। जैसे कि उसको बुलाए, कुछ खिलाए पिलाए बोलते हैं, कुछ विकास के क्षेत्र में ज़्यादा ही आगे बढ़ रहा है ऐसा तो बोल रहे थे, लेकिन नहीं पता, हम लोग तो उस समय छोटे छोटे थे। जैसा कि विकास के क्षेत्र में आगे बढ़ रहे ज़्यादातर काम कर रहे थे। असल कहानी वही है कि पांडू सरपंच जो है वो चाहते थे कि उनके गाँव कोलिंग में सड़क बन जाए। उस समय सड़क नहीं थी जब उनकी हत्या हुई ना,
वो चाहते थे कि कुछ भी नहीं था, वो सोचते थे कि यहाँ पे अस्पताल स्कूल सारी चीज़ें आ जाए। और माओवादियों के बात नागवार गुजरी और उन्होंने उनकी निर्मम हत्या कर दी। आज ये शादी इसलिए भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि वो पांडू सरपंच जो सोचते थे कि कोलेंग में शांति प्रिय माहौल हो जाए, यहाँ पर लाइट आ जाए, सड़क आ जाए, नेटवर्क आ जाए, वो सारी चीज़ें आज यहाँ पे आ गई हैं। आज यहाँ पे जियो का टावर है, 4G और 5G सारी सुविधाएं हैं, गांव में लाइट है। लाइट आप देख रहे होंगे कि ये जनरेटर से नहीं चल रही है, लाइट कनेक्शन से चल रहा है। और साथ ही साथ आप सोचिए कि कोलेंग जो नक्सलियों की कभी राजधानी हुआ करती थी, उस राजधानी में इतनी रात को इतना शामियाना लगाकर बेहतरीन शादी हो रही है। और सबसे खास बात यह है कि ये शादी हो किसकी रही है, ये शादी हो रही है पांडू दादा के लड़के की। इसलिए जब मुझे पता चला तो इसलिए मैं जो है बहुत खुश हुआ कि देखो एक व्यक्ति जो इस क्षेत्र के विकास के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दिए, आज उनके क्षेत्र में उनके लड़के की कितनी भव्य शादी हो रही है। गांव की शादी है और गांव की शादी बहुत नॉर्मल होती है, धुरवा जनजाति की शादी है। इसमें आप देखें थोड़ा सा शहरीकरण हुआ है शादी का, जैसे टेंट लग गया है, ये बड़ा सा एक मंच बना है, नहीं तो पहले गांव की शादी में मंच नहीं हुआ करते थे। क्यों दादा? पहले तो बैठ के होता था, है ना? तो ये दूल्हा दुल्हन है, हम बस्तर टॉकीज के पूरे परिवार से इनको बधाई देते हैं। और इसमें जो है ये देखिए कैसे टीका और ऐसे गिफ्ट दिया जाता है, साथ ही साथ ऐसे उपहार देके लोग चावल से टीका भी लगाते हैं दूल्हा दुल्हन का। अभी आया लगाएंगी, भैया थोड़ा आ जाओ ऊपर तो दिखा देंगे पास से। तो ये धुरवा जनजाति की शादी है और सबसे खास बात ये है कि ऐसे पूरा ये पूरा शहर के हिसाब से अब वो ज्ञानी तो पहले जो है बोलेंगे क्या अब ऐसे लिखा जाए, जैसे शहर में होता है ना वैसे अब यहाँ भी लिखा जाने लगा है। पहले लिखते थे क्या भैया? नहीं लिखते थे, ये अब लिखने हाँ, अब लिखने लगे हैं क्योंकि एक दूसरे को देना पड़ेगा, है ना, गिफ्ट देना पड़ेगा, इसीलिए लिखा पढ़ी करना पड़ रहा है। तो पहले कैसे करते थे? पहले क्या है, चावल से टिकावन होता था और उसके बाद सब जो रीति नियम था वही करते थे, ना पैसा कौड़ी कुछ लगता नहीं था। ठीक, तो ये दूल्हा और दुल्हन है और इस तरह से यहाँ पे टीका सबको लगाया जा रहा है। बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत शुभकामनाएं। मैं भी टीका लगा दूँ क्या? ये अच्छा, क्या दो मिनट आ जाएंगे क्या? बात कर लेता हूँ थोड़ा सा, खड़े हो जाएंगे क्या? क्यों, क्या नाम है आपका? शिव कुमार नाम। पिताजी क्या नाम? स्वर्गीय श्री पांडू राम नाम। पांडू राम, क्या आपका क्या नाम बताए जी? आपका क्या नाम है? शिव कुमार नाग। शिव भाई ये बताओ कि पांडू दादा जो है वो क्षेत्र के विकास के लिए ही लड़ते थे, है ना जी? आज उनको कितना कैसा लग रहा होगा, उनकी मतलब आज यही सब चीज़ चाहते थे वो, क्यों गांव में वो सब चीज़ आ गया। आज पिताजी का याद आ रहा है जी, लेकिन वो कभी सोचे नहीं थे ना कि इसीलिए लड़ते रहे। क्या क्या चाहते थे कि गाँव में क्या क्या हो जाए जी? क्या क्या चाहते थे आपके पापा? उतना सब तो बता नहीं सकता। हाँ, मतलब जैसे सड़क लाइट ये सब चाहते थे ना जी। आज कोलेंग में क्या क्या आ गया, सब आ गया है जी? क्या क्या है? रोड है। हाँ। और बिजली है और टावर भी है, सब आ गया है जी। ठीक, अब डर तो नहीं लगता गांव में? नहीं नहीं लगता। ठीक है, कहाँ तक पढ़ी हो आप, पढ़ाई की हो क्या? क्या नाम है? रुकने का सर। पढ़ाई वढ़ाई कहाँ तक की हो? आठवीं तक। आप कहाँ तक पढ़े हो? नाइन्थ। ठीक है, तो ये जो भाई हैं दूल्हे राजा पांडू दादा के पुत्र हैं, हालांकि ज़्यादा हम छेड़छाड़ नहीं करेंगे क्योंकि अभी उत्सव का माहौल है, बस ये बताना बहुत महत्वपूर्ण है कि ये उनकी शादी है। ये देखिए बस्ते टॉकीज से हूँ। हाँ, तो ये शादी का फंक्शन बहुत गांव का, ये देखिए ये क्या है, क्या है भैया? क्या देख, लंदा है ये देखिए, लंदा। और ये क्या चीज़ है? ये बिरयानी है सर। बिरयानी है? हाँ बिरयानी है। अच्छा, तो ये लंदा दे रहे हैं, आ जाओ। ये देखिए सभी यहाँ पे जो मेहमान आए हैं उनको इस तरह से व्यवस्था है, ये सबको एक पत्ता दिया जाएगा। हाँ, और नहीं, बच्चे लोग नहीं पिलाना है, बड़े लोग।
वहाँ पियो आप लोग पियो, देखो ये चावल से बना हुआ लंदा है। हाँ आया पियो, पी के दिखाओ, पी लो ये जितने भी मेहमान आए हैं सबको इस तरह से। किसका शादी? ना दुर्वा का शादी है, दुर्वा दुर्वा शादी, दुर्वा का शादी ऐसी होता है ना, ऐसी होता है ना। हाँ लंदा देते हैं सबको। और ये क्या बिरयानी है? लंदा देते तो चावल में पिएंगे, बच्चे लोग को नहीं पियेंगे। हाँ बच्चे लोग को नहीं पिलाना है, नहीं पिलाएंगे। आप लोग पियो, बड़े लोग आप लोग भी, मैं भी पियेंगे, बच्चे लोग को नहीं पिलाएंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो ये सब गांव के युवक जो है ये जिम्मेदारी उठाए हैं, लंदा लेके सबको पहुंचा पहुंचा लेके जा रहे हैं भैया, सबको बांट रहे हैं पीने के लिए, सब खुशी खुशी के लिए पीना चाहिए इस तरह से। और साथ ही साथ आप देखें कि किस तरह से जो ग्रामीण है वो एकजुट होकर नाच रहे हैं। ये गांव की दुर्वा शादी है और शादी से ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये, देखिए। धुन सुनिए, इस तरह से ये धुरुआ जनजाति की शादी, शादी में ये सांस्कृतिक कार्यक्रम, उनके बीच में ये विशेष तरह की ये घंटी वाली ये तांबे की, इसको लेके अलग से दादा नाच रहे हैं। ये देखिए ये अलग से घंटियां बजी हुई इसमें, ये क्या है दादा? इसको क्या बोलते हैं? मुआ, मुआ, मुआ बोलते हैं, मुआ बोलते हैं। ठीक है जाओ नाचो, धुरुआ का नाट है इस तरह से। देखिए सबको लंदा दिया जा रहा है, हालांकि आंटी बोल रही थी हाँ, और सबको चावल से बिरयानी बनाई गई है वो भी सबको बांटा जा रहा है। और सबसे खास बात कि उस घर में हो रहा है जिस घर के जो मुखिया थे पांडू दादा, उनकी हत्या माओवादियों ने इसलिए कर दी क्योंकि वो क्षेत्र में स्कोलिंग गाँव में विकास चाहते थे, और इसी तरह से यहाँ पे एंजॉय किया जाएगा। और ये शादी का शहरीकरण है लेकिन फिर भी आप देखिए एक बड़ा सा सामियाना लगा दिया गया है टेंट। अगर पहले होता तो इस तरह से टेंट नहीं लगाए जाते, गांव वाले अपना वो लाड़ी बनाते हैं, वो किस तरह से बनाते हैं वो भी दिखाता हूँ, आइए। तो ये देखिए इस तरह से पत्तों से ये जो तैयार किया गया है मंडप, इसी तरह के मंडप शादी में हर जगह होते। और इस तरह से औरतें बैठी हूँ, वहाँ पे भी कोई सांस्कृतिक उनका कार्यक्रम हो रहा है जो शादी से रिलेटेड है। और ये बदलाव इस कोलिंग गांव का ये बताता है कि एक पांडू दादा की जो शहादत है वो व्यर्थ नहीं गई, इस गांव में वो सारी चीज़ें हैं आज जो वो चाहते थे। वो चाहते थे कि इस इलाके से माओवाद पूरी तरह से समाप्त हो जाए, आज कोलिंग गांव में माओवादियों का डर पूरी तरह से समाप्त हो गया है। वो चाहते थे कि यहां तक पहुंचने के लिए एक सुगम रास्ता हो। अब रात के 8:30-9 बज रहे हैं और हम यहां आसानी से कार से आए हैं और यहां तक पहुंचने के लिए तो यहां सड़क की व्यवस्था भी है। वो चाहते थे कि यहां अस्पताल हो, यहां अस्पताल खुल चुका है। वो चाहते थे यहाँ स्कूल हो, स्कूल खुल चुका है। वो चाहते थे कि यहाँ का युवा पढ़ाई करे, तो मैं अभी आया तो यह देख रहा हूँ कि यहाँ के युवा बहुत जागरूक हैं। कुछ युवा तो IPL मैच देख रहे थे मोबाइल में, इतने ज़्यादा, तो मतलब 4G टावर की भी व्यवस्था है। ये सारी चीज़ें पांडू दादा चाहते थे, बस पांडू दादा आज ये सब चीज़ देखने के लिए जीवित नहीं है। बस्तर टॉकीज उनको एक बार फिर से विनम्र श्रद्धांजलि देता है और उनकी इच्छा पूरी हुई। और ये बहुत खुशी का पर्व है कि आज पांडू दादा के लड़के की धूमधाम से शादी है, उनकी शादी है जिन्होंने यहाँ शांति चाही थी, जिन्होंने यहाँ विकास चाहा था, आज उनके लड़के की भव्य शादी है। ये गांव की यही शादी भव्य है, इस तरह से जो सामियाना लगाया गया है और लाइटें लगाई गई हैं, यही नहीं तो इससे भी साधारण शादी होती है गाँव की, धुरुआ समाज की शादी है। शादी को विधिवत दिखाता लेकिन मैं बहुत लेट हो गया हूँ। अगर आपको लगे कि ये शादी के माध्यम से ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी था कि बदलाव क्या होता है, बदलाव कैसे होता है और बदलाव के बाद क्या होता है, ये देखना है तो कोलिंग आ सकते हैं, तो कोलिंग से मैं वो कहानी आपको बता रहा हूँ।
जिसके लिए एक व्यक्ति ने अपनी जान दी है। लगे कि बातचीत महत्वपूर्ण थी तो इसे शेयर जरूर कीजिएगा, और लगे कि अगर हम मुद्दे पे जमीन पर जाकर हकीकत निकालने की क्षमता बढ़ा रहे हैं तो क्षमता तब बढ़ेगी जब आपकी संख्या बढ़ेगी। तो संख्या बढ़ाने के लिए आप ये मदद कीजिएगा कि बस्तर टॉकीज को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।